हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय गुप्त गोदावरी पहुंच चुका हूं। आप सबको यहां पे गुप्त गोदावरी का दिव्य दर्शन करवाता हूं। जो है देख सकते हैं, गुप्त गोदावरी में हर समय हजारों श्रद्धालु देश विदेश से यहां पे आते रहते हैं। जो है देख सकते हैं, अभी भी मेरे पीछे काफी श्रद्धालु आते हुए जो है गुप्त गोदावरी पहाड़ के ऊपर स्थित है। सामने देख सकते हैं आप, ये पहाड़ आप देख सकते हैं बहुत ही ऊंचाई पे है। धीरे धीरे गुप्त गोदावरी की ओर हम लोग बढ़ते हुए, गुप्त गोदावरी में दोनों तरफ तरह तरह की दुकानें आप देख सकते हैं। हर तरफ आपको प्रसाद की दुकानें दिख जाएंगी आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे गठिया वगैरह की दवाएं भी मिल जाएंगी आपको, देख सकते हैं। तमाम आयुर्वेदिक दवाएं भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, देख सकते हैं। प्रसाद की दुकान, फल की दुकान, फोन लगाओ, बैग भी आप यहाँ देख सकते हैं। बगल में प्रसाद की दुकान, लेडीज बैग की दुकानें आप देख सकते हैं। जो है एवं शरीर दर्द में इस तेल को लगाकर मालिश करने से आश्चर्यजनक रूप से फायदा करता है। आयुर्वेदिक दुकान है। हम लोग धीरे धीरे गुप्त गोदावरी के ऊपर बढ़ते हुए देख सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ, दुकानें वगैरह आप देख सकते हैं। अच्छी है, दोनों साइड की दुकानें यहाँ पे आपको लकड़ी की शानदार चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। जो है ये सब देख सकते हैं। ये लो भैया, ले लो, आओ में जा रहे, ले लो, ये 20 का प्रसाद ढंग से ब्लॉकिंग हो रहा है। बढ़ते हुए हम लोग मंदिर की तरफ, यहाँ पे भैया जूते चप्पल यहीं पे रखते हैं भैया, पैसा नहीं लगेगा। सामने आप गुप्त गोदावरी का टिकट काउंटर देख सकते हैं। जो है वयस्क प्रति व्यक्ति 20 रुपए है, अवयस्क प्रति व्यक्ति 3 से 12 वर्ष तक 10 रुपए है। आपको मैं यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। जो है ये देख सकते हैं, ये आपको गुप्त गोदावरी का ही पानी आता हुआ जो है आगे फिर इस कुंड में इकट्ठा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये गुप्त गोदावरी से वापस आते हुए यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ है गुप्त गोदावरी की। समय हम गुफा के ऊपर चढ़ते हुए देख सकते हैं। हम लोग ऊपर गुप्त गोदावरी की तरफ चढ़ते हुए देख सकते हैं। ऊपर धीरे धीरे हम लोग ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए, भाई बंधु काका दादा जितने भी लोग हैं अपने दाहिने हाथ में लेकर जा रहा है मेरे फल बनासी भगवान बंदर भी बैठा हुआ है। पुष्प गोदावरी मेला में चढ़ाए जिन भक्तों को बेल फल पत्र पुष्प लेना है यहाँ पे देख सकते हैं। 10 रुपए ऊपर जाने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है ये देख सकते हैं। बेल पत्र पुष्प चढ़ाएंगे
जो अंदर से रक्षा कवच प्रसाद के रूप में मिलेगा उसे भंडारों में रखेंगे, इससे घर परिवार में सुख शांति और जुगाड़ कार्य में सफलता मिलती है। तापस विशेषी उदासी 14 वर्ष राम वनवासी 14 साल के वनवास काल में भगवान श्री राम ने 11.5 साल निवास किया। देख सकते हैं गुफा कितनी सकरी है, देख सकते हैं। अंदर से देख सकते हैं गुफा किस तरीके से दिख रही है, जो गुफा में देख सकते हैं कितनी भीड़ है। गुफा में ये देख सकते हैं आप अंदर कितनी भीड़ है, पूरे गुफा में हजारों श्रद्धालु इकट्ठा हो चुके हैं जो है। इधर मेरे पीछे भी देख सकते हैं आप लोग जो है, पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थर को काट काट के इसको डिजाइन किया गया है गुप्त गोदावरी को, देख सकते हैं आप लोग जो है। माता गुप्त गोदावरी के दर्शन को जाते हुए देख सकते हैं आप कितनी भीड़ लगी हुई है, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ो, बंद करो। ये देख सकते हैं ऊपर से दर्शन करके हम लोग अंदर की तरफ जाते हुए, ये देख सकते हैं इस तरीके की डिजाइन की गई है जो है गुप्त गोदावरी के अंदर, कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं अंदर जो है हजारों की संख्या में, ये देख सकते हैं इस तरीके से पत्थर को काटा गया है। ये मेरा विष्णु, ये बच्चे लोग को देख सकते हैं, ये लोग कहाँ से आए उच्चे? ओके, ये उच्चे बाधा से आए हुए हैं जो है गुप्त गोदावरी के दर्शन के लिए। दोस्तों इस समय हम लोग गुप्त गोदावरी के अंदर जाते हुए देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, ये देख सकते हैं बाबू जी यहाँ पे बैठे, ये पूरा पानी देख सकते हैं। पूरा अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ पे माँ जी का गुप्त गोदावरी का भोग लगा हुआ है, ये देख सकते हैं अंदर और भी गहरा पानी होगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं नीचे कितना पानी हुआ है, जो यहाँ पे थोड़ा सा निहोना पड़ रहा है, ये देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे। स्वाहा स्वामी जी, यहाँ पे देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं स्वामी जी का पैर घुटने तक डूब चुका है जो है, ये देख सकते हैं जो है गुप्त गोदावरी के अंदर का हिस्सा जो कि कितना सकरा हो गया है जो है, बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है ये, आप देख सकते हैं जो है। ऐसे दिव्य दर्शन कभी कभी देखने को मिलते हैं जो है, देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ के गुप्त गोदावरी निकलती हुई, ये देख सकते हैं कितना स्वच्छ पानी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे अंदर ही बड़ा खतरनाक व्यू है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ तो दुर्गा गोदावरी में कितनी भीड़ अंदर को जाते हुए जो है देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग गुप्त गोदावरी से बाहर की तरफ जाते हुए यहाँ पे देख रहे हैं आपको
हर उम्र के लोग यहाँ पे गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। देख रहे हैं आप लोग अंदर कितना भीड़ है, जो है आप देख सकते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे गुप्त गोदावरी के दर्शन करने आते हैं। ये देख रहे हैं किसी स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये देख सकते हैं अब हम लोग गुप्त गोदावरी से बाहर की तरफ निकलते हुए देख सकते हैं अंदर गुफा में कितनी भीड़ है, देख सकते हैं आप लोग बहुत मन है कितनी भीड़ है। धीरे धीरे हम लोग यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हुए अच्छे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गुप्त गोदावरी का शानदार व्यू। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से गुप्त गोदावरी का व्यू कितना शानदार दिखता हुआ जो है देख सकते हैं आप लोग, एकदम शानदार व्यू दिखता हुआ जो है गुप्त गोदावरी का। पूरा पहाड़ी पे स्थित यह गुप्त गोदावरी अपने आप में एक अलौकिक छठा भी खेले हुए जो है देख सकते हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, इस समय मैं गुप्त गोदावरी आया हुआ। यहाँ पे कुछ लोग उड़ीसा पुरी से आए हुए हैं और कुछ यहाँ के बारे में बताना चाहते हैं। लाजो रामनगरी है, बहुत सुंदर जगह है, घूमने में बहुत अच्छा लगा, मन में जो शांति है वो आप हमको मिला। आप लोग कुछ कहेंगे? कैसा लगा यहाँ पे आके? ओके थैंक यू। पूरी भोजन आपको जरूर फोन ओके गुप्त गोदावरी से वापस चित्रकूट की तरफ मैं जाऊंगा अब यहाँ से।